आते ही पहले पार्किंग से टिकट ले लो ना। अरे टिकट कैसा है? टिकट के ऊपर नंबर है। पहली फुर्सत में पार्किंग है, पूरी पार्किंग है ये। ये चौमल्ला पैलेस का एंट्रेंस है और ये पूरा एंट्रेंस है, ये अपनी पार्किंग है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस अर्जु व्लॉग्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और आज का जो व्लॉग है चौमल्ला पैलेस है जो निज़ाम सरकार का है और खिलवत पैलेस भी बोलते हैं उसको, अपन टूर करेंगे क्या बोलते हैं डेक्कन ऑफ नवाब्स, मामूली बात नहीं। और अंदर बहुत से बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें भी है और जो पुराने ज़माने के कदीम जो चीज़ें यूज़ करें अपने डेक्कन ऑफ निज़ाम, जो नवाबी माहौल जो है वो देखेंगे अपन। आओ भाई। सो भाई गाइज, अंदर एंट्री होते साथ ही यहाँ से कितने को टिकट लेना है, हम लोग एंटर हो गए चौमल्ला पैलेस में, तो अभी देखेंगे आगे। लाइन से खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग थे जो अपने निज़ाम दरबार रखे थे। देखिए गाइज कितने पुराने खदीम खदीम एक बिल्डिंग्स है, कितने पुराने पुराने चीज़ें हैं देखिए आप। सो हे गाइस, ये जो सीन है चौमल्ला पैलेस का है जो अंदर का एंट्री है और ये देखो सीन देखो कितना प्यारा है। और वाकई इन लोगों के जो रहने करने के सहने सहने आखिरी रॉयलिटी और लग्जरियस लाइफ रहती है अपनी। क्या जी सहने बोल रहा हूँ, कैसी रॉयलिटी एंड लग्जरी लाइफ है लोग बराबर सी आखिरी यहाँ देखो। तो वही गाइस चल रहा है, क्या है क्या है। तो भाई गाइस ये जो अभी सीनरी है मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रास्ता है ना ऐसा एक पूरा रास्ते खुले जा रहा है और ये जो जितने भी डोर्स है ना एक के बाद डोर से एक अलग ही रूम के सर का है। देखो अंदर खाना खा रहे लगा 15-16 दरवाजे भर दो। सो भाई गाइस अभी ये दिखाऊंगा मैं कैसे दरवाजे हैं, खाली सीधा जाते 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 खाली पूरे दरवाजे दरवाजे खुलते जा रहे हैं, खाली दरवाजे खुलते जा रहे हैं। पुराने जमाने के खटके देखो, पुराने अर्थकुल जमाने का खटका है, डालना करना नहीं है मगर देखना है खाली। सो भाई गाइस हैदराबाद में रहेंगे, हैदराबाद के लोग आए नहीं देखते, लाइट ले देखते गाँव वाले दिख रहे खाली, अब हैदराबाद के लोग कमी दिख रहे, क्या बड़े भाई सही है। फिर हम लोग चौमल्ला के अंदर म्यूजियम में है जो पुराने पुराने जो बुक्स है देखो। सो भाई गाइस यहाँ पर अंदर आकर देखो आप कैसा कैसा है। महबूब अली खान का राइटिंग डेस्क है, मोर देन बहुत ईयर्स ओल्ड है और राइटिंग डेस्क है। और ये जो देख रहे हैं ये गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड मिरर है, पूरा गोल्ड से बने हुए हैं, सोच सकते हैं इतना वर्थ है, प्राइसलेस है। और ये आगे फैन देखो कैसे है, एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ फैंस है। और ये देखो अभी तक अभी तक ऐसे देखे होंगे तुम्हारा,
क्या बोलते हैं झूमर पे जो कटोरियाँ रहते हैं ऐसे रहते हैं, इसके कटोरियाँ ऐसे हैं और बहुत सारे पैसे चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर जो बुक्स है वो अपन ले सकते हैं, तो ऑफर में है 50% ऑफ द ऑफर है। और ये जो है ये वाकई वही देखने वाली चीज़ है, ये पूरे गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड मिरर है, ड्रेसिंग टेबल है, मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड है ड्रेसिंग टेबल, ये गोल्ड प्लेटेड थिंग्स मोर देन 200 ईयर्स से दिख रहा है, जरा भी नहीं दिख रहा है फर्निशिंग पूरा किला। और ये की बोल रहे प्लीज डू नॉट टच करते भाई। गाइस अभी हम लोग अंदर देख लिए म्यूजियम में जो जो भी है क्या क्या भी है, और अभी हम लोग आगे बताएंगे तुम लोगों को क्या क्या। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है बोले तो ये एक खिलवत दरबार बोल के जो है अंदर भरा दिख रहा वो, और ये अपनी टॉप है वहाँ से जो भी सिपाही आ रहे थे वहाँ से अपने किला खाली यहाँ से टोपा मार रहे थे पहले ऐसा ही। अभी भी अपन भी ऐसी से क्या जी हाँ। सारी टोप की कमी है आ जा बहुत पुराने जो भी पुराने जो चीज़ें बने हुए हैं ना बहुत आखिरी एक स्पेशल और परफेक्ट तरीके से बने हुए हो क्या चल भाई। वैसे वही गाइस ये है ये क्लॉक टावर के बारे में लिखे हुआ है, वही जो क्लॉक टावर उसको ही बोलते हैं जो अपने निज़ाम्स की रेसिडेंसी थी। देखिए बढ़िया वैसे मैं उल्टा दिख रहा कैमरे में, तो अभी इसके अंदर जाएंगे अपन देख के कैसा है क्या नहीं देखेंगे। चलो भैया जाएंगे अंदर। तो वही गाइस ये है जो अंदर का सीन है, जो खिलवत पैलेस जो बोलते हैं जो मेन निज़ाम की रेसिडेंसी है वो यही है। देखिए आप कैसा है मैं आपको बताऊंगा पूरा फ्लैशबैक में कैसा रहता है क्या है क्या नहीं पूरा बताऊंगा। और यहाँ की एक से एक चीज़ बहुत पुरानी और कदीम चीज़ें प्राइसलेस चीज़ें हैं जितने भी यहाँ समझ गया ना भाई ये जो है नेपाल हैदराबाद में बोलते हैं वो क्या दरबार में बैठे हुए यार बोल के वैसे यही दरबार है। अभी जाना अलाउ नहीं है वैसे डाल दिए वो निज़ाम सरकार का दरबार है, वहाँ पर बैठते थे, वहाँ पर बैठ के उनके वाइफ से उन्होंने से उन्होंने से बात करते थे और उनके वाइफ बहुत थे मालूम था ना। अभी चल के पाँव बहुत थक गए क्या भाई चल के पाए अरे यूपी बिहार यहाँ चल के पाँव बहुत थक गए तो पैर हाथ को आ गए पैर बहुत दर्द हो रहे हैं भाई। तो अभी बाहर जाएंगे, बाहर जाके क्या है क्या नहीं देखेंगे, खाने पीने का इंतज़ाम है नहीं है खाने पीने का इंतज़ाम कुछ भी दावत है चलो ठीक है देखेंगे फिर जाके क्या है क्या नहीं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत पुरानी खदीम जगह है, इंशाल्लाह हमेशा विजिट करो आप हमेशा क्या कभी तो एक ना एक दिन निकाल के आया रहो भाई, कभी तो देखो अपनी पुरानी हिस्ट्री
कब तक वही पुराना चार मीनार लाड़ बाजार पे लेते बैठते। चार मीनार पे चाहिए, सलवत पे चाहिए। पाँव बहुत दर्द हो रहे हैं, पानी की प्यास बहुत लग रही। इसी तरीके से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कैसा लगा व्लॉग वो बोलो। और अल्हम्दुलिल्लाह 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। बोलने का कुछ भी नहीं है, बस हाँ यूट्यूब खुला कर।